चलो आ जाओ बच्चों, एक बार और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आ गया तुम लोगों के सामने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिस टीचर ने पहले इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा वो भी नहीं कर पाएगा। जिसने पहले ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका तरीका भी यूनिक होता है। यूनिक मतलब इकलौता तरीका होता है। बाकी क्वेश्चंस के तो कई तरीके हैं, कहीं से शुरुआत करो, कोई मोड़ चढ़ो और कुछ भी करके ला दो। इसमें दिक्कत होती है जिसके तरीके यूनिक होते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? और ये 12th क्लास के इंटीग्रेशन का स्पेशल प्रॉब्लम माना जाता है। इसी में इंटीग्रेशन का साइन अगर लगा देते हैं तो ये 12th क्लास का स्पेशल प्रॉब्लम हो गया। जब तक बच्चा यहाँ तक नहीं पहुंचेगा इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इसका हमने ले लिया, ध्यान देना थोड़ा सा। और प्रूफ वाले पार्ट पे हमेशा ध्यान देना पड़ता है, हमें हर जगह कॉस है, हमें कॉस ही चाहिए लेकिन अलग अलग चाहिए, नीचे कुछ नहीं चाहिए। इधर आके बैठ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x। ये ले लिया हमने तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ कॉस 3x है, सोचना पड़ता है कि हमें तो प्रोडक्ट मिलाना है, काटना थाटना है। काश इसके साथ साइन 3x होता तो ये भी फॉर्मूला बन जाता साइन 6x का, और यहाँ साइन 3x हो जाता तो साइन सी माइनस साइन डी लगाते ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी, कट के कुछ तो आता। यहाँ से आइडिया आएगा कि हमें ऊपर नीचे साइन 3x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऊपर भी साइन 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी साइन 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको साइन 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन 3x, और ये क्या बन जाएगा 2 साइन 3x कॉस 3x। अब क्या होगा, अब देखो ये तो बन गया साइन 3x, चलो ठीक है। यहां साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, दोनों कॉस है। क्या होता है कॉस प्लस कॉस में, पहला भी कॉस दूसरा भी कॉस, सी प्लस डी अपॉन टू, इतना प्लस इतना अपॉन टू, तो 9x/2 हो गया। और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, इतना माइनस x/2 हो गया अपॉन, ये हो गया साइन 3x माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x हो गया साइन 6x। चलो हम साइन सी माइनस साइन डी भी लगाने जा रहे हैं, उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे ऐसा क्या किया जाए कि ये आ जाए। एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। एक चीज ध्यान रखना, डी बड़ा है, बताया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कि अगर डी बड़ा हो तो हम डी माइनस सी कर देते हैं, बाहर माइनस नहीं लेते हैं। यानी ये क्या बन जाएगा साइन 3x इंटू 2 कॉस 9x/2 कॉस x/2 अपॉन, ये हो गया साइन 3x माइनस, फॉर्मूला लगाना यहाँ पे साइन माइनस साइन, पहले कॉस आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कितना हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू 9x/2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, कितना होगा माइनस का 3x/2। कॉस होता तो माइनस को खा सकता था यार, ये अरे मजा आ गया, ये तो कट गया कम से कम, चलो इतना तो हल्का हुआ। अब सोचो दिमाग लगाओ कि हमें जाना कहीं और है और ये तो कुछ और ही दिख रहा है, यहाँ साइन 3x/2 दिख रहा है। चलो ठीक है, माइनस से मतलब माइनस को तो बाहर फेंक देगा, कौन कौन माइनस को खाता है, यस यस कॉस और सेक माइनस को खाता है, साइन तो नहीं खा पाता ना, तो ये माइनस तो बाहर आएगा, यानी साइन 3x/2 बन रहा है। और हम जब इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें, कौन सा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला किसका होता है साइन 2x का, तो साइन 2x को अगर हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं तो साइन 3x को भी जब इस फॉर्मूले से लिखेंगे तो हाफ एंगल में तो आएगा ना साइन 3x/2, ये कट जाएगा। ऐसे सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो अब यहां पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 और इंटू में ये बच रहा है कॉस x/2, ये भी मैं लिखूंगा। और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, ये साइन माइनस को खा नहीं पाया, माइनस बाहर आ गया और साइन 3x/2 बच गया, इससे ये कट गया।
अब बचा क्या, बच गया ये वाला माइनस टू बच गया, कॉस थ्री एक्स बाई टू बच गया, कॉस एक्स बाई टू बच गया। तुम्हें से किसी से भी पूछूं मैं, तुम इतने ब्रिलियंट हो गए हो, किसी से भी पूछूं अब क्या करूं, तो तुम बोलोगे सर क्या सोच रहे हो, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये प्रोडक्ट में हमें प्लस माइनस में तोड़ना है। और टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है याद है तो बताओ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, भूल गए हो तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट बी देखना, उसमें ये इनटू को प्लस माइनस में चेंज करना बताया गया है। तो अब क्या होगा, लगा दो फॉर्मूला, माइनस के बाद लगाओ फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी, ये ए है ये बी है, लिखोगे कॉस ए हो गया प्लस में बी हो गया, फिर प्लस कॉस ये ए हो गया माइनस में बी हो गया, घटाओ एक बार इसको जोड़ो, इसको घटाओ माइनस कॉस, जोड़ना कितना रहा है फोर एक्स अपॉन टू हो गया टू एक्स, और इसको घटा के देखो कॉस एक्स हो गया, हो नहीं गया प्रूफ, देखना जरा, अगर हम इस माइनस से इंटू कर दें माइनस कॉस टू एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अगर पेपर तुम्हारा ठीक ठाक बन गया, टफ बन गया थोड़ा सा, तो ऐसे प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर तुमने एक बार किया हुआ है, आपकी प्रैक्टिस है, तो याद आ जाएगा, नहीं किया हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हम आप लोगों को सिखाएंगे हाफ एंगल कैसे निकालते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी रात हो गया है, छोड़ना पड़ेगा, अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे हाफ एंगल कैसे निकालते हैं।